क्योंकि एक दल में स्थिर होकर पार्टी के साथ उन्होंने विश्वास स्थापित नहीं किया और ना ही आपका विश्वास पार्टी के साथ स्थापित होने दिया। कोई पार्टी यदि कुछ देना भी चाहती है तो किस आधार पर दे? आज इस दल में, कल उस दल में, परसों उस दल में, दे देने के बाद कहां जाएंगे उसका ठिकाना नहीं। इस विश्वास को स्थापित करने की जरूरत है। आलोक मेहता कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, लेकिन आलोक मेहता यह स्थापित करना चाहता है कि एक नौजवान को राजनीति में किस तरह ब्रेक मिलता है, किस पार्टी के साथ उसका क्या व्यवहार आचार होना चाहिए, आपका सार्वजनिक चरित्र क्या होना चाहिए, आपको राजनीति में कैसे बढ़ना चाहिए, उसका एक आदर्श जरूर स्थापित करना चाहता है। आलोक मेहता पिछले 20 वर्षों 18-19 वर्षों से पार्टी में एक क्रियाशील कार्यकर्ता के रूप में शुरू करके और आज तक किसने पहुंचा था, क्योंकि हमें अपने पार्टी के सिद्धांतों में आस्था है, हमारे नेताओं में जननायक कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव प्रसाद की विचारधारा इस पार्टी के विचारों के अनुरूप रही है, इसलिए आस्था है। और इस आस्था का रिजल्ट ये है कि किसी ज्यादा नेता से ज्यादा विश्वास आलोक मेहता पर हमारे पार्टी को है, इसलिए हम जो करते हैं उसको पूरी पार्टी मानती है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, यदि इस तरह का सार्वजनिक चरित्र और पार्टी के साथ संबंध आप स्थापित करेंगे तो प्रगति होना है। आलोक मेहता राजस्व, भूमि सुधार और गन्ना उद्योग मंत्री है। ये राजस्व, भूमि सुधार के 9-8 मुख्यमंत्री बिहार के मंत्री रहे, सबसे वरिष्ठ लोगों को दिया है, तो मैं उतना वरिष्ठ नहीं हूं, मुझे बैठा दिया गया है, इसलिए कि आपको महसूस हो कि आपको सम्मान मिला है। इस सम्मान को आप महसूस जिस दिन कर लेंगे उसी दिन आप समझ जाएं कि रास्ता क्या है। और ये रास्ता वही है जो हम लोग कर रहे हैं। आपका स्थान दूसरी जगह नहीं है, आपके पीठ पर हाथ रखे तो कह सकता है कि मुख्यमंत्री बना रहे हैं, 2% वोट नहीं है और मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री मांगने से मिलता है। मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, इसलिए कि मुझे मालूम है, मुझे कन्विक्शन है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री परिस्थितियों में बनता है, परिस्थितियां बनाते हैं, कोई मांग करने से मुख्यमंत्री नहीं बना रहा परिस्थिति।